नमस्कार, हिंगूटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम बात करेंगे ब्लैकहेड्स के बारे में। ब्लैकहेड्स छोटे छोटे कील की तरह होते हैं। ब्लैकहेड्स नाक, ठोड़ी, माथे, कंधों, बाहों पर हो सकते हैं। ब्लैकहेड्स से जीवन शैली में बदलाव और घरेलू नुस्खों की मदद से छुटकारा पा सकते हैं। गलत खान पान, असंतुलन जीवन शैली, हार्मोनल असंतुलन और त्वचा की ठीक तरह से सफाई ना करने पर यह समस्या जन्म लेती है। इसे हटाना बेहद आसान है और अपनी जीवन शैली में बदलाव कर आप हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं। ब्लैकहेड्स दूर करने में बहुत फायदेमंद है ये घरेलू उपाय। नींबू स्किन के लिए बेहद अच्छा होता है। यही कारण है कि ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए जितने भी फेस पैक बनाए जाते हैं उसमें नींबू के रस को मिलाया ही जाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी स्किन के लिए बेहद अच्छा होता है। कैसे करें इस्तेमाल? पहला, 1 चम्मच शुगर यानी चीनी में 1/2 चम्मच शहद और कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाए फिर ब्लैकहेड्स वाली जगह पर लगा ले। चाहे तो पूरे चेहरे पर भी लगा सकती है। 1/2 घंटे बाद चेहरे को पानी से धो ले। ध्यान रहे कि इसके बाद चेहरे पर साबुन या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, नींबू के रस को 4 गुना ग्लिसरीन में मिलाकर चेहरे पर रगड़ने से ब्लैकहेड्स मिट जाते हैं और त्वचा कोमल व मुलायम हो जाती है। तीसरा, 1/2 चम्मच नींबू का रस और हल्दी ले। इसमें 1/4 चम्मच नमक और 1 चम्मच पानी मिलाकर गरम करके चेहरे पर लगाए, फिर सूखने के बाद धोए। चेहरे के दाने, ब्लैकहेड्स व निशान मिट जाएंगे। बेकिंग सोडा चेहरे से निशान मिटाने के साथ रंगत भी निखारता है। कैसे करें इस्तेमाल? पहला, 1 बाउल में 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा और 2 बड़े चम्मच संतरे के छिलके का पेस्ट मिला ले। अब चेहरे पर फेस मास्क की तरह इस मिश्रण को लगाए। 15 मिनट बाद चेहरे पर पानी की छींटे डालकर 1 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो ले। दूसरा, बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर ब्लैकहेड्स पर लगाए और 5 मिनट बाद चेहरा धो ले। इससे ब्लैकहेड्स दूर हो जाते हैं। यह चेहरे की गंदगी को पूरी तरह साफ कर देता है। शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन साथ ही ये ब्लैकहेड्स को भी हटाता है। शहद को अगर ब्लैकहेड्स पर लगाया जाए तो इससे भी स्किन साफ होती है और ब्लैकहेड्स खत्म होने लगते हैं। कैसे करें इस्तेमाल? पहला, शहद, चीनी और नींबू का रस बराबर मात्रा में लेकर ब्लैकहेड्स पर स्क्रब करें, इससे फायदा होगा। दूसरा, चीनी, शहद, जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से ब्लैकहेड्स की परेशानी दूर हो जाती है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा के रोम छिद्रों के आकार को कम करने, ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स को दूर करने में मदद करती है। कैसे करें इस्तेमाल? पहला, मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं, फिर इसे चेहरे पर लगाएं और फिर 15 मिनट बाद धो लें। इससे ब्लैकहेड्स की परेशानी जरूर कम हो जाएगी। दूसरा, मुल्तानी मिट्टी में नीम पाउडर, गुलाब जल और नींबू का रस डालें। अच्छे से मिलाकर इस पेस्ट को तैयार कर ले, चेहरे पर अच्छे से लगाए। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो ले। ऐसा हफ्ते में 2 बार करें। सी सॉल्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में खूब इस्तेमाल होता है। कैसे करें इस्तेमाल? सी सॉल्ट और शहद को एक साथ मिलाकर ब्लैकहेड्स वाली जगह पर लगाए, फिर चेहरे 5 मिनट बाद धो दे। सी सॉल्ट चेहरे से डेड स्किन को हटाता है और ब्लैकहेड्स की समस्या को कम करता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।